ये जो पांच अक्षर बोले अभी, ये ओम का संधि विच्छेद है। ओम ओम ऐसे बोलेंगे ना, ओम थोड़ी सी नाक में भी आवाज जाती है, है? ओम बोलते समय, मां बोलते समय, बोलने से पहले हल्की सी आवाज नाक में जाती है, ओम ओम ऐसे होता है। तो ओ जो अक्षर है वो दो अक्षरों से मिलकर बना है, ओ आ और उ से मिलके बना है। हिंदी व्याकरण वर्णमाला के अनुसार आ प्लस उ बराबर ओ। तो ओ के अंदर दो अक्षर हैं, आ और उ। तो हमने सबसे पहले आ बोल लिया लंबा सा, फिर लंबा सा उ बोल लिया, फिर दोनों को मिला के ओ बोल लिया। उसके बाद मकार पे जा रहे हैं बोलने, तो म पे जाने से पहले एक आवाज नाक में आती है, वो है ओ आ। ओम का ये शुद्ध उच्चारण हुआ। जब तक ओमकार को हम इस तरह से नहीं बोलेंगे, शुद्धता नहीं मानी जाएगी। शुद्ध रूप से ओम का जो फायदा होना चाहिए वो नहीं होगा। केवल ओम बोल लेने से जो ओम के अंदर जो रहस्य छुपे हुए हैं वो नहीं जान पाएंगे हम, और न ही उसके होने वाले फायदों को जान पाएंगे। ओम के उच्चारण से क्या क्या फायदे हो रहे हैं। आ बोलने से हमारे शरीर का लेफ्ट भाग यानी बाई तरफ वाला हिस्सा पूरी तरह से शुद्ध हो जाता है, बीमारियों से रहित हो जाता है जब हम आ बोलते हैं तो। और जब उ बोलते हैं तो दाहिनी तरफ का जो बॉडी का पार्ट्स है, पूरा सिर से यहां से अगर देखें तो दाहिनी तरफ का जो हिस्सा है पूरा पैर तक, इसमें कोई भी बीमारी नहीं रहती है। और दोनों को मिलाकर के ओ बोलने से हमारा बीच का हिस्सा, सांस की नली, रीढ़ की हड्डी, ये सब सीधा होता चला जाता है, इसमें ताकत आती है। ओ बोलने से हमारी नासिका भाग और मस्तिष्क का जो हिस्सा है वो शुद्ध हो जाता है। ओ नाक से आवाज निकालने से, नाक की एक्सरसाइज करने से हमारा पूरा मस्तिष्क शुद्ध होता है। और हम बोलने से सीधा ब्रेन पर इसका असर होता है, सहसार चक्र पर, यहाँ पर आकर के कंपन होते हैं। हाथ लगा के देख लो, ऐसा बोल करने से यहाँ पे वाइब्रेशन होता है। अब देखिए अ बोलने से कहाँ वाइब्रेशन होता है, उ बोलने से कहाँ पे कंपन होता है, ऐसे गले को पकड़ के देख लो, चेक करके देखो, जल्दी जल्दी बोलो, आ उ आ उ, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट हो रहा है, अ लेफ्ट में जा रहा है, उ राइट में जा रहा है, आ उ करके देखो, आ उ। तो जब अ बोलने से लेफ्ट राइट कंपित हो रही है, पूरा शरीर का भाग जो है शुद्ध हो रहा है, सारी बीमारियों का इससे इसका इलाज हो रहा है, और उ बोलने से राइट वाले शरीर की सारी बीमारियां निकल रही है, और बाकी मैंने बताई दिया। ओम तो इस तरह से गला भी दो पार्ट में बटा हुआ है, लेफ्ट राइट,
एक तरफ ऐसा हिस्सा है ओम के आकार में ही गला भी बना हुआ है। गले की बनावट कैसी है? ऊ जैसी। एक तरफ से अलग आवाज आती है, दूसरी तरफ से अलग आवाज आती है, और बीच में से अलग आवाज आती है ना। इतनी प्रकार की आवाजें आ रही होती है। तो लेफ्ट, राइट और सेंटर, इन तीन बातों का खेल है ओमकार के अंदर, जिससे कि हमारी नासिका भी क्लियर होती है और गला भी शुद्ध होता चला जा रहा है, और साथ ही साथ बीमारियों का भी इलाज हो रहा है, गला भी शुद्ध हो रहा है। इसी प्रकार से हमारी तीन नाड़ियां हैं, कफ, वात और पित्त। कफ और वात और पित्त की तीन नाड़ियां हैं। तीनों नाड़ियां भी इसी मंत्र से शोधन होती है, यानी कि तीनों प्रकार की बीमारियों का नाश हो जाता है। हमारे ब्रेन के भी तीन पार्ट होते हैं, लेफ्ट, राइट और सेंटर। लेफ्ट ब्रेन जो है वो भूतकाल की बातों को सोचता है, और राइट ब्रेन भविष्य की बातों पर ध्यान देता है, और बीच वाला वर्तमान की स्थिति में लाता है। तो जब हम अ बोलते हैं तो लेफ्ट ब्रेन यानी पास्ट टेंस वाला कंपित होकर के शांत हो जाता है, ऊ बोलते हैं तो फ्यूचर वाला ब्रेन जो आगे की बातें सोचता है वो भी शांत हो जाता है, और तीन अक्षर सेंटर वाली ब्रेन पे पड़ रहे होते हैं, ओ, ओ, हम्म। तो इससे वर्तमान काल हमारा ज्यादा मजबूत हो रहा है, हम जो भी काम करें वर्तमान काल में रहें। जैसे अभी म्यूजिक की क्लास हो रही है, तो इस म्यूजिक की क्लास को म्यूजिक की क्लास की तरह ही रहें। यहां अगर आपने घर की बातें सोचना शुरू कर दिया तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इस तरह की आदत डालने में ये मंत्र हमारी बहुत मदद करता है कि हम जहां हैं, जिस समय जहां हैं, उस समय वहीं पर रहें, कहीं इधर उधर दिमाग न जाए। पास्ट का कभी सोचना भी नहीं, जो हो गया सो तो हो गया। फ्यूचर तुम्हारे हाथ में है नहीं, पता नहीं कल क्या हो। हर आदमी कहता है कि कल क्या हो, कौन जानता है, हैं? तो आज को जी लो। तो ये मंत्र जो है हमें कहां ले जा रहा है? वर्तमान की स्थिति में ले जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको एक सांस में एक अक्षर को बोलते हुए पांचों अक्षर बोलने होते हैं, ठीक है। उसके बाद एक ही सांस में इन पांचों अक्षरों को, अब एक ही सांस में ये पांचों अक्षर कैसे बोले जाएंगे? सांस भरो, एक बार तो ये पांचों अक्षर एक सांस में एक अक्षर बोलते हुए एक घंटे तक मैंने आपको बिठाया। घर पे क्या करना है जाके, कल से सुबह जल्दी उठना है, और कितनी बजे बैठना? 6 से 7 बैठ लो, अभी सर्दियां हैं। 6 से 7 का एक घंटा आपको इसी तरह से देना है। पहला आधा घंटा एक एक सांस में एक एक अक्षर आ, अलग अलग, और जो बाकी का आधा घंटा बचा उसमें एक ही सांस में ये पांचों अक्षरों को ले लेना, और एक घंटा समाप्त हो जाने के बाद बिल्कुल मौन धारण कर लेना, कम से कम 20 मिनट के लिए बोलना मत।
20 मिनट के लिए बिल्कुल चुप रहना, ठीक है। तो ये आज का होमवर्क हो गया आपको क्लास का।